हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एक्स मेजर मनीष भटनागर। द साइंस बियॉन्ड के वीडियो संख्या एक में आपका स्वागत है। हम बात शुरू करेंगे ब्रह्मांड के उन अनजाने अनबूझे पहलुओं पर जिनकी ओर पश्चिमी विज्ञान का ध्यान कभी गया ही नहीं। वे बातें जिनके बिना किसी भी स्थान पर जीवन की परिकल्पना को समझना संभव नहीं है। इस वीडियो में परिचय होगा द थ्योरी ऑफ कॉस्मिक रिफ्लेक्शन से। हम यह भी जानेंगे कि कैसे इसी मैकेनिज्म के चलते चंद्रमा पृथ्वी की ओर एक ऐसा एलिमेंट भेजता है जो पृथ्वी के वायुमंडल, मौसम और पृथ्वी पर जीवन को सर्वाधिक प्रभावित करता है। इन मुख्य पहलुओं पर चर्चा शुरू करने से पहले मैं आपका ध्यान बचपन में लगभग हम सभी के द्वारा खेले गए एक खेल की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। आपको ध्यान होगा कि कैसे हम सूर्य के प्रकाश को शीशे से रिफ्लेक्ट कराकर अपने दोस्तों की आंखें चौंधिया दिया करते थे। इस छोटे से खेल में ब्रह्मांड का एक बहुत बड़ा अब तक अनबूझा रहस्य छुपा हुआ है। इसे मैंने थ्योरी ऑफ कॉस्मिक रिफ्लेक्शंस का नाम दिया है। निरंतर जारी रहने वाली ब्रह्मांड की एक इस गतिविधि में ही अनगिनत रहस्य और प्रिंसिपल्स छिपे हुए हैं, जिनके कारण ब्रह्मांड में वो होता है जो होता है और जिसका पहली बार पता लगने पर इंसान बोल उठता है, यूरेका, मुझे पता चल गया। इस रहस्य से जन्म लेने और चलने वाली गतिविधियों में से रेडियो वेव्स के रिफ्लेक्शंस के प्रायोगिक ज्ञान को पश्चिमी विज्ञान कुछ हद तक समझ चुका है। इस खोज के जरिए मानव समाज 100 से भी अधिक वर्षों से रेडियो सुनता आ रहा है। वैसे एक राज की बात बताऊं, वायरलेस टेलीकम्युनिकेशंस की खोज एक भारतीय वैज्ञानिक ने ही की थी। श्री जगदीश चंद्र बोस ने 1895 में कलकत्ता के टाउन हॉल में इसका सफल डेमोन्स्ट्रेशन किया था। इन्होंने इसको पेटेंट नहीं करवाया बल्कि इसको मानव समाज को उपहार स्वरूप ही दे दिया। इसी खोज के बाद रेडियो ट्रांसमिशन और रिसीवर बनने शुरू हुए, जिनका उपयोग आज भी जारी है। पृथ्वी पर स्थित रेडियो स्टेशंस आकाश की ओर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स भेजते हैं जो मुख्यतया आयनोस्फीयर से टकराकर वापस पृथ्वी की ओर आते हैं, और हम अपने रेडियो का रिसीवर ऑन करके इन्हें वापस कैच करके मजे से अपना मनपसंद कार्यक्रम सुनते हैं। दिन के समय सूर्य के प्रकाश की तेजी आयनोस्फीयर को श्रिंक कर देती है, जो रात में फैलकर पृथ्वी की सतह से 200 किलोमीटर दूर तक पहुंच जाती है। आपने अनुभव किया होगा कि रात में रेडियो स्टेशंस की रेंज और क्लैरिटी अधिक बढ़ जाती है। ऐसा रात में आयनोस्फीयर के फैल जाने के कारण होता है। ब्रह्मांड में रिफ्लेक्शंस के इस खेल को पश्चिमी विज्ञान ने बस यहीं तक समझा। खोज हुए 125 साल गुजर जाने के बाद भी संचार माध्यम के अतिरिक्त इसे समझने में उन्होंने कोई रुचि नहीं दिखाई। अपनी कंज्यूमरिस्ट सोच के चलते पश्चिमी विज्ञान ने इस कॉस्मिक रियलिटी को वहीं तक जानना जरूरी समझा जहां तक इसका प्रयोग दूसरे मनुष्यों से आगे निकलने या और अधिक धन एकत्रित करने में संभव होता। पश्चिमी विज्ञान की इस संकीर्ण सोच के ठीक विरुद्ध पूरी मानव प्रजाति और जीवन की भलाई के लिए ज्ञान एकत्रित करने का कार्य तो सनातन की प्राचीन व्यवस्था ने पहले ही पूरा किया हुआ है। इस पहलू की अनेक विधाओं पर आने वाले वीडियोस में चर्चा होगी। अभी के लिए चलते हैं वापस बचपन के शीशे से सूर्य की रोशनी को रिफ्लेक्ट करने वाले खेल की ओर। ये खेल चाहे शरारती बच्चों ने खेलना हो या ब्रह्मांड के ग्रहों, उपग्रहों, तारों या नक्षत्रों ने, सभी के लिए लाइट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस परम आवश्यक हैं। वो आपने सुना ही होगा, ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। कॉस्मिक डांस के लिए तारों का प्रकाश पहली आवश्यकता है।
अनगिनत तारे न्यूक्लियर रिएक्शन के जरिए प्रकाश एवं अन्य रेडिएशंस लगातार भेजते रहते हैं जो पूरे ब्रह्मांड में घूमते रहते हैं, किंतु किसी भी सौरमंडल में सबसे अधिक यानी कि ओवरवेलमिंग प्रभाव उस सौरमंडल को अपनी ग्रेविटी से बांध कर रखने वाले सूर्य का होता है। दुख के साथ कहना पड़ रहा है, अपनी संकीर्ण कंज्यूमरिस्ट विचारधारा के चलते पश्चिमी विज्ञान ब्रह्मांड की मूलभूत वर्किंग को कभी समझ ही नहीं पाया। और इससे भी अधिक दुख की बात तो यह है कि पश्चिमी विज्ञान ने सनातन के उस नॉलेज सिस्टम को मिथ और सुपरस्टिशन करार दिया जिसने ब्रह्मांड के अनेकों महत्वपूर्ण पहलुओं का अध्ययन कर जीवन पर इनके प्रभावों का ज्ञान हम तक पहुंचाया। यह सब दैवीय सहायता के बिना न कभी संभव था, न अब है, न कभी होगा। सनातन के इस प्राचीन ज्ञान को अब की भारत सरकार इंडियन नॉलेज सिस्टम यानी कि IKS के नाम से पुनः संचालित कर रही है। सनातन की आदि सोई हुई ज्ञान विविधाओं में शामिल है इसकी प्राचीन ज्योतिष विद्या का सुपर साइंस। इसके बारे में आने वाले समय में प्रकाशित होने वाले इसी पुस्तक के Volume 2 में चर्चा होगी। अभी पता लगाते हैं कि कैसे सौरमंडल के ग्रह और उपग्रह अपने अलग अलग सतही कंपोजिशन, ग्रेविटी व वायुमंडल के चलते सोलर रेडिएशंस, जिसमें सोलर विंड, थर्मल और कई अन्य इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन शामिल हैं, को रिफ्लेक्ट करते हैं। भिन्न भिन्न तरीकों और वातावरण से रिफ्लेक्टेड ये रेडिएशंस अंततः पृथ्वी के जटिल और लेयर्ड वायुमंडल तथा ग्रेविटी एनवायरमेंट से गुजर कर जीवन पर गहरा प्रभाव डालते हैं। सर्वप्रथम बात होगी पृथ्वी के निकट मौजूद उसके अपने चंद्रमा से रिफ्लेक्ट होकर आने वाले रेडिएशंस की। चंद्रमा को पहले चुनने की वजह मात्र इसकी हमसे सर्वाधिक निकटता ही नहीं है, बल्कि अनेकों कारण हैं जो एक एक करके या संयुक्त रूप से हमें पृथ्वी पर जीवन संभव होने और जारी रहने के लिए चंद्रमा की अति महत्वता को दर्शाते हैं। और इनमें भी सबसे अहम है चंद्रमा का पृथ्वी के वायुमंडल, जलवायु, वर्षा और जल उपलब्धता पर सबसे गहरा प्रभाव। चंद्रमा की एक अति महत्वपूर्ण प्रोसेस तो पृथ्वी के वायुमंडल से ऑक्सीजन को लीक होने से भी बचाती है। हमारे मौजूदा टॉपिक्स में पूर्व और पश्चिम दोनों के ही विज्ञान से जुड़े शोध शामिल हैं। भारतीय मून मिशन Chandrayaan-1 की 2008-09 की शोध के परिणाम अत्यंत महत्वपूर्ण फिनोमेना रिवील करते हैं। इस मिशन पर लगे सारा नाम के एटम रिफ्लेक्टिंग एनालाइजर से यह पता लगा था कि चंद्रमा की सतह सोलर विंड के साथ आने वाले हाइड्रोजन एटम्स में से 20% को रिफ्लेक्ट कर देती है, यानी कि हर 5 में से एक एटम मून के ना के बराबर एटमॉस्फेयर और पृथ्वी से 1/6 ग्रेविटी जोन को लगभग 7,20,000 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एस्केप कर जाता है। रिफ्लेक्ट होने के बाद उनकी एनर्जी काफी कम हो जाती है और स्पीड भी आधे से कम रह जाती है। लेकिन इस सब का पृथ्वी से क्या संबंध, ये प्रश्न बिल्कुल सही है। इसका उत्तर हमने ढूंढ निकाला है पश्चिमी विज्ञान की शोध संस्था इलिनॉइस यूनिवर्सिटी के डॉक्टर जियांकी क्विन और लारा वॉल्ड्रॉप की रिसर्च टीम के ऑब्जर्वेशंस में। हालांकि वे अपनी ही शोध के निष्कर्षों और चंद्रमा पर निरंतर जारी हाइड्रोजन न्यूक्लियर प्रोसेसिंग और रिफ्लेक्शन के परस्पर संबंध से पूर्णतया अनभिज्ञ हैं। यह सच है कि इस इलिनॉइस टीम ने पृथ्वी की सतह से लगभग 250 किलोमीटर दूर वायुमंडल की बाहरी लेयर थर्मोस्फीयर में गर्म हाइड्रोजन एटम्स को ऑब्जर्व किया था। उन्होंने अपने इस ऑब्जर्वेशन को 2017 की नेचर मैगजीन में प्रकाशित किया। उन्हें
उनके ऑब्जर्वेशंस की विचित्र बात यह थी कि उनके द्वारा देखे गए हाइड्रोजन एटम्स का तापमान आसपास के वातावरण की तुलना में काउंटर इंट्यूटिव था, यानी कि सूर्यास्त के उपरांत जब वायुमंडल का तापमान तेजी से गिर रहा था तब इन गर्म हाइड्रोजन एटम्स की उपस्थिति दर्ज हुई थी। इलिनॉइस टीम अपने इस ऑब्जर्वेशन का कोई भी सही अर्थ नहीं निकाल पाई। टीम तीन मुख्य प्रश्नों का भी कोई उत्तर नहीं ढूंढ पाई। पहला कि ये गर्म हाइड्रोजन एटम्स पृथ्वी के वायुमंडल में कहां से आए। दूसरा, इनका तापमान काउंटर इंट्यूटिव क्यों पाया गया। और तीसरा, सबसे बड़ा यह कि ये पृथ्वी के वायुमंडल और जीवन को किस तरह प्रभावित करते हैं। इलिनॉइस टीम ने एक्सोस्फेयर में उनके द्वारा ऑब्जर्व किए गए हाइड्रोजन एटम्स को पृथ्वी के वायुमंडल से लीक होती हुई हाइड्रोजन माना। मेरी शोध के अनुसार मामला बिल्कुल उलट है। ये एटम्स दरअसल पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर जाती हुई नहीं, बल्कि बाहर से हमारे वायुमंडल में प्रवेश करती हुई हाइड्रोजन है। मौजूदा मसले में चंद्रमा की सतह एक रिफ्लेक्टिव शीशे की तरह कार्य करती है, जो अपने ऊपर गिरने वाले विकिरण यानी कि रेडिएशंस को अलग अलग प्रकार से प्रोसेस और रिफ्लेक्ट कर निरंतर वापस सौर मंडल में भेजती रहती है। जैसा कि चंद्रयान 1 के सारा एटॉमिक रिफ्लेक्टिंग एनालाइजर की ऑब्जर्वेशन से कंफर्म होता है। अगली बार जब आप चंद्रमा की ओर देखें तो यह बात याद अवश्य कीजिएगा कि उसकी सतह से रिफ्लेक्ट होकर आने वाला सूर्य का प्रकाश और रेडिएशंस यानी कि उसकी चांदनी के साथ साथ प्रोसेस्ड और रिफ्लेक्टेड हाइड्रोजन भी हम तक पहुंच रही है, जो कि चंद्रमा से पृथ्वी तक लगभग 384,000 किलोमीटर की यात्रा में इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कर हाइड्रोजन एटम या अन्य किसी फॉर्मेट में बदल जाती है। इन्हीं में से कुछ की उपस्थिति इलिनॉइस टीम ने पृथ्वी की सतह से लगभग 250 किलोमीटर दूर एक्सोस्फेयर में दर्ज करी थी। उनकी शोध के निष्कर्ष के ठीक विपरीत मेरी शोध यह परिणाम दिखाती है कि यदि चंद्रमा द्वारा रिफ्लेक्टेड सूर्य की रोशनी तथा रेडिएशंस को हम चांदनी के रूप में पृथ्वी सतह पर या वायुमंडल में अनुभव कर पा रहे हैं तो इसके साथ चंद्रमा से रिफ्लेक्ट हुई हाइड्रोजन भी अवश्य ही हम तक पहुंचकर हमारे वायुमंडल, जलवायु और जीवन पर निरंतर गहरा प्रभाव डाल रही है। याद रखें, हमारे और चंद्रमा की सतह से रिफ्लेक्ट और एस्केप होकर आने वाली हाइड्रोजन के बीच कोई भी बाधा मौजूद नहीं है। चंद्रमा से रिफ्लेक्ट होकर आने वाली हाइड्रोजन कई और मैकेनिज्म्स को जन्म देती है, क्योंकि पृथ्वी का वायुमंडल और इसकी मैग्नेटिक फील्ड सूर्य से डायरेक्ट आने वाली सोलर विंड और अन्य हाई एनर्जी रेडिएशंस को अलग तरह से फिल्टर करते हैं, और रिफ्लेक्टेड लो एनर्जी रेडिएशंस जैसे कि मूनलाइट और लोअर एनर्जी रिफ्लेक्टेड हाइड्रोजन को कुछ और इफेक्ट्स के साथ। चंद्रमा से रिफ्लेक्ट होकर आने वाली हाइड्रोजन की सच्चाई कई और जटिल शोध विषयों को जन्म देती है। इनमें से कुछ का वर्णन आप मेरी पुस्तक कॉस्मोस एंड द डिविनिटी में विस्तार से पढ़ सकते हैं। इस अकेले वीडियो में इन विषयों का ब्रीफ में भी वर्णन संभव नहीं है, इसलिए हम इसे कंक्लूड करते हुए आगे आने वाले वीडियोस में अनेक रहस्यों से पर्दा उठाने का वादा अवश्य करते हैं। और भूलिएगा नहीं कि द थ्योरी ऑफ कॉस्मिक रिफ्लेक्शन और चंद्रमा से रिफ्लेक्ट होकर पृथ्वी तक आने वाली हाइड्रोजन के बारे में आपने सबसे पहले द साइंस बियॉन्ड पर या मेरी पुस्तक कॉस्मोस एंड द डिविनिटी के द्वारा सुना। खैर छोड़िए, अगर ये दो बातें आप भूल भी जाएं तो कोई बात नहीं, ये कतई मत भूलिएगा कि यदि आप आज जीवन की ध्वनि सुन पा रहे हैं तो इसलिए क्योंकि पृथ्वी के निकट चंद्रमा कॉस्मिक रिफ्लेक्शन के सबसे बड़े जीवनदायक खेल को अच्छे से खेल रहा है। थैंक यू।